This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World. ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವ ಥರ ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किए हैं, 11,000 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स को ब्लड प्रोवाइड कर तरह से इनको देख के आइडियल एक एनजीओ है, ऐसे आइडियल एनजीओ को देखकर दूसरे हैं भी और एनजीओ हमारे कम्युनिटी में आने चाहिए. उन तमाम ब्लड हेल्पलाइंस जो गुलबर्गा में काम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा क्रेडिट बीइंग वुमेन को जाता है कि ये सिर्फ आप जो काम कर रहे हैं ये नोबल सर्विसेस है, इतने आसान काम नहीं है. ये काम कोई नहीं करते गुलबर्गा में, कोई नहीं करते. आप सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े बातें किए जाते हैं, ग्राउंड पर रियलिटी पर ग्राउंड पर उतर कर काम करने वालों को मैं सैल्यूट करता हूँ. ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, स्वच्छता अभियान के अंदर उनका जो रोल है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सर्विस गुलबर्गा शहर के अंदर करके आए हैं. आज उनकी ऑफिस का इफ्तिदा और 7 साल पूरे हुए हैं. मैं अपनी जानिब से बीइंग ह्यूमन के प्रेसिडेंट सादिक अली देशमुख साहब और तमाम उनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से एक एनजीओ को इतने इफेक्टिव वे में गुलबर्गा शहर के आवाम के सर्विसेज में लगाया है इफेक्टिवली, और खुसूसन पुअर एरियाज़ के अंदर, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर, माइनॉरिटी एरियाज़ के अंदर जो रीच हुए हैं, ये इससे पहले कोई एनजीओ इस लेवल पे रीच नहीं हुआ है. आज गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड ऑफिस की ओपनिंग के इफ्तिताह पे पी सुनील कुमार साहब कॉरपोरेशन कमिश्नर थे गुलबर्गा के, जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया बेंगलोर में डायरेक्टर एमआरसी बेंगलोर. तो वो बेंगलोर से आके गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ गेस्ट का रोल अदा करें,
मैं गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि वैसा आईएएस ऑफिसर जो अपना वक्त निकाल के बेंगलोर से गुलबर्गा आके अपना टाइम दे के अपनी 15 मिनट की स्पीच में हर जगह गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे थे। मैं गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए वर्कर हूँ गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का। मैं प्रेसिडेंट का रोल नहीं करता, मैं एज ए वर्कर का रोल करता हूँ। आने वाले दिनों में गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल हेल्पलाइन पर काम कर रही है और ब्लड डोनेशन पर काम कर रही है, ब्लैंकेट कैंपेन में काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में जो मसले मसाइल होंगे उस पर भी काम करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच गो हैश। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। हम स्टेट के न्यूज़पेपर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो रजिस्टर्ड चैनल्स हैं उनसे भी कई ज़्यादा एफर्ट्स, इनसे भी कई ज़्यादा इफेक्टिव फेसबुक पे गो हैश से हुआ है, गुलबर्गा हेडलाइन से हुआ है, गुलबर्गा टाइम से हुआ है और गुलबर्गा आपकी आवाज़ से हुआ है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑन पेपर वर्क करते हैं, लेकिन ये जो टीम है दे वर्क ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, और इसका सबूत उन्होंने थोड़े दिन पहले कलबुर्गी महानगर पालिका के साथ मिलकर जिन्होंने वॉकेथॉन जो ऑर्गेनाइज किया, उस स्वच्छ सर्वेक्षण में काफ़ी बड़ा रोल इन्होंने निभाया है। तो एंटायर टीम को मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ और अभिषेक कामले साहब को और एंटायर टीम को गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन के मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एंड आई विश एंड प्रे टू अल्लाह सुबहान तआला के ये आपका काम टिल द डूम्स डे ये काम चलते रहे, एंड हमारे से जो भी एफर्ट होगा हमारे मीडिया चैनल से डेफिनेटली वी आर ऑलवेज ऑन। नान अभिषेक बालाजी अंत डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट, नम वाइस प्रेसिडेंट जो नम सादिक अली देशमुख कूड़ा इदारे नम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अदर जो नम सेक्रेटरी तुकाराम चिंटोरु इदारे, ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು, ಸುಮಾರು 15 ಮಿನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ, ಎಷ್ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದು, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಂಥ ದಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಭಾಗವನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವಹಾಜ್ ಬಾಬಾ ಇದ್ದರು, ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಈ ಥರನೇ ನೀವು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ। ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಫ್ರೆಸ್ಪ್ರೆಸೋ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್, ಸ್ಟುಡಿಯೋ 11, ಸಲೂನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ, ಅಂಡ್ ಬೈ ಮದೀನಾ ಚಿಕನ್ ವರ್ಲ್ಡ್।